माई ब्लॉग चैनल। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है ये नए ब्लॉग में। तो अभी हम हैं अपने रूम में, यहाँ बैठे हैं सब दोस्त लोग, बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं। तो आज कुछ करने का है नहीं, तो बैठे पड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर लोग अलाली करते हैं। ये तुम्हारा हाई स्पीड 24 Mbps की स्पीड दे रहा। तो तेरा लैपटॉप जाटू है तो हम क्या करें, लैपटॉप को नहीं दोष दे रहा, उसको दोष दे रहा। ते जितने की पेन ड्राइव है उतने में तेरे 4-5 लैपटॉप आ जाएंगे। हंस नहीं मेरे सामने। अबे भाई गाना बंद कर दे, कॉपीराइट लग जाएगा मेरे ब्लॉग में। तो इसमें बताना क्या चाहते थे, इतना सब कुछ बता दिया। तो तुम्हारा बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, बहुत स्ट्रगल किया तुमने, बहुत बहुत। अभी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। हाँ, खाया पिया करो अच्छा। दो लीजेंड एक फ्रेम में। ये लेजेंड, सिंगल लेजेंड। अबे उल्ट ऐसे का रंग पड़ी। अब बोलो क्या बोले, वो बोलेगा ना उसकी तरफ कैमरा। बोल बोल बोल। मुंह बना के बैठा है, छोड़ो यार ये सब। तुम अपने स्क्रिप्ट को कंटेंट का नाम तुमने मत ही दिया करो। बारबी लवर हो क्या है? तुम बारबी लवर हो क्या? ना ओपन है ना, ना ना, ना, ना। क्या है ये बकचोदी, बहुत सारी बात। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अभी अपने दोस्त के यहाँ, नमन के यहाँ पे, जिसकी टीम का नाम है थिंक थिंक। नहीं, टीम थिंक नाम उसका, टीम थिंक। बहुत अच्छा भाई है अपना। चलो आज आप लोग को उससे मिलाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं टीम थिंक में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए टीम थिंक में। तो हमारे सामने बैठे हैं नमन। नमन आगे क्या नाम, अगर ये बैक कैमरा है तुम दिख रहे हो। ये हमारे साथ बैठे हैं नमन भाई। तो कैसे हैं नमन भाई? बढ़िया हूँ। अपना कुछ जीवन परिचय दे दीजिए। मेरा जीवन परिचय बहुत ही छोटा है मेरी तरह। मेरा नाम नमन दीक्षित है, मैं बहुत ही शिक्षित बंदा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तुम लोग का प्यार मिल रहा है, बगल में राजू। खुद को शिक्षित बोल लेने से लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं, ये चीज़ सामने वाले बताते हैं। हाँ, तो आप नहीं समझते कि हम शिक्षित हैं। समझते हैं मगर खुद क्यों बोल रहे हो, सामने वाला समझ लेगा। राजू भाई क्या है? ये हमारे विशाल भाई, मेरे नामा राशि के भाई हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है, ऐसा इन्होंने बोला है। खाओ तुम, खाओ तुम्हारी कार। स्क्रिप्ट देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कैसे राइटर है। बढ़िया है, आप मजा है। चलो देखते हैं, गहरा वाला। चलो देखते हैं, ये देखे ठूस रहे हैं। तो मना बुला, मैं पकौड़ी खत्म कर। अबे भाई गाइस पकौड़ी खा लो, नहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमारे दोस्त अनुराग भाई स्टैंड अप करने जा रहे हैं यहाँ पे। वो देखे माइक खड़े, सभी लोग भैया पहले तो रुके, और जितने लोग देख रहे हैं आज क्या होने वाला, पापा का बर्थडे होने वाला है। निकाल लो पहले, होएगा तो होएगा, केक खाएगा उठा में। तो एक बार जोर से गणपति बप्पा, चाचा मसाला वसाला खा रहे हैं, बोलो गणपति बप्पा। बताओ, एक तो ये लोग एकदम लहू पी जाते, घर के बाहर निकलते कहते बलौली बलौली, एक कह रहा दबौली, एक कह रहा जरौली जरौली। पापा कह रहे तुम्हारा नाम कुछ एक रखता था, तुम लहू लेकिन दो चार लोग तो जान रहे। अच्छा अभी हम देख रहे थे पप्पा के साथ लोग फोटो खिंचाने का क्रेज ऐसा है, पहले तो था कि पप्पा के साथ हाथ जोड़ के फोटो खिंचा ली है ना, ये बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ये वाली खिंचा ली। अब एक नया चेंज ला दिया हमने, देखा कल ये लौंडा फोटो खिंचाना पप्पा को ऐसे नीचे हाथ लगाए और उससे कह रहा फोटो ऐसे लेना जिससे पप्पा हमें उठाए। हाँ कह रहे पप्पा को हम ऐसे उठाए, ऐसे फोटो लेना,
हमने कहा तुम तो पप्पा को उठाए वाली फोटो ले लोगे, अगर पप्पा ने धोखे से तुम्हें कहीं उठा दिया हाँ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे देखो कभी ताजमहल को, ताजमहल कौन कौन गया? हाँ तुम गए पीछे, तुम लोग तो जेल गए हो क्या? ताजमहल गणपति बप्पा उधर वाले गणपति बप्पा सब लोग भैया एकदम देखो औरतें उस्मान की मसाला सारा नहीं खाती तो हम औरतों से चाहेंगे बप्पा पूरा बोला है तो गणपति बप्पा बहुत बढ़िया। देख लो एक तरफ हमारी महिलाएं बहने खड़ी कितने एकदम चमकते चेहरे हैं, वही पुरुषों को देख लो ऐसा लग रहा है टेंट हाउस में काम करते सीधा आलू गाड़ के चले आ रहे हैं। और तो कितना ख्याल रखती है अपने की, मतलब जा रहे बप्पा के सामने और इसी में बप्पा मुरादे भी तो देखो पूरी सुन करते हैं हमारी महिलाएं पहनों के बहू आराम से बैठ जाओ, ये जेब एक में हाथ डाले बेल्ट नहीं पहनी हो क्या? किसा किसा जाएगा तुम्हारी जी भाई जो आराम से बैठ जाओ। सालू भैया हमारे घड़े हैं देख के लग रहा है कितने साल भैया जिम करे हो? हाँ जितनी इनका बाइसेप है उतनी हमारी कमर है क्या? रोज मार पड़ता है देखो। सानू भैया को देख के एक चीज समझ आती है कि लड़का चाहे जितना बॉडी बिल्डर हो बीवी से एकदम दब के रहता है, अभी भाभी अगर कहीं थे तो तुरंत घर भाग जाएंगे। और शादी के बाद इतना परिवर्तन आया है, अभी हमने इनसे कहा कि अच्छा ये बताओ 10 लोगों को आलू पराठे बनाने कितने उबाले, कह रहे 5 किलो चढ़ा दो। हमने इतना परफेक्ट कह रहा एक परेठा कम हो जाए तो बताना। और गणेशू आ गए, आओ गणेश इधर आओ, अब की बार अगर सब सही रहा तो तुम्हारा ही विसर्जन करा देंगे। नहीं गणेश ने वो कितना फिट हो गया ऊपर आओ अभी बड़ा मजा आया वहाँ पे, इन लोगों ने जबरदस्ती हमको माइक दे के वहाँ खड़ा कर दिया, इसे पब्लिक अंटिया इसे देख गए। हाँ नकुल भाई हेजिटेशन में आ गए थे, अगर इनके परम मित्र राजीव भाई कवर ना करते। राजीव भाई गणपति बप्पा मुझे याद कर लेते भाई। भैया क्या है तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से खत्म, ठीक है इसको तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं से करते हैं खत्म। हमारे सभी भाई लोग बहनों नमस्कार, मैं हूँ एक तो अभी सब लोग जा रहे हैं घर, ये है टीम नमन थिंक का टीम थिंक जिसके ऑनर है नमन भाई, तो अभी हम लोग सब लोग चलते हैं। बाय बाय, इस व्लॉग को ये करते खत्म, सब लोग जा रहे हैं बाय, गुड नाइट, जय गणपति बप्पा मोरया।